हाँ जी भाई, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए व्लॉग में। और अभी मैं आया हूँ जस्ट ऑफिस से, और मैंने किया था अपने लिए एक हेलमेट ऑर्डर जो कि आ गया है, जिसका मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था काफ़ी टाइम से, और वो आ चुका है। तो भाई चलते हैं और बनाते हैं वीडियो हेलमेट की, उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसा है, पहन के देखते हैं कैसा है, और एक बार उसको सेटअप भी करेंगे, कैमरा लगाएंगे हेलमेट में और माइक लगाएंगे और चेक करेंगे कैसा है फिटिंग में। अब पता नहीं कैसा होगा फिट उसका, वो तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं, ट्राई करते हैं और बनाते हैं वीडियो। ये रहा भाई जो किया था मैंने ऑर्डर हेलमेट अपने लिए, जो कि मैंने किया था पावर स्पोर्ट से, और यह आया बेंगलोर से, इसलिए इसको आने में इतना टाइम लग गया। और ये मैंने ऑर्डर किया था 2 तारीख को ही, और तब से मैं इसको चेक कर रहा था, कई बार ही चेक किया, बट ये ट्रांजिट, और ये आज ही सुबह आया है। इसको दिखाता हूँ मैं, अरे निकल जा भाई। बहुत ही अच्छा हेलमेट लगा मुझे तो ये। चलो खोलते हैं इसको। तो ये है भाई हमारा हेलमेट, बहुत ही जबरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आया ये। इसका एक कवर भी है काफी अच्छा। चलो इसको खोलते हैं। तो ये है भाई हेलमेट जो कि है MT का, ये दिख रहा होगा आपको बैजिंग, और इसके कलर ही बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मेरे को, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और ये है वह 1 किलो 450 ग्राम का है सिर्फ, काफ़ी अच्छे ग्राफिक थे इसके, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। और जो मेरे को चाहिए था ये चिन पैड, इसमें ये भी है, और बाकी जो अंदर की फिट एंड फिनिश है ना काफ़ी अच्छी है, इसकी कुशनिंग भी बहुत ही अच्छी है, और बस यही है जो है काफ़ी अच्छा है। ये हेलमेट लगेगा अच्छा मेरे पे, और चला के इसको देखेंगे, इस पर लगाऊंगा मैं यहाँ पे, इसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, यहाँ पे सेटअप लगाऊंगा पूरा हेलमेट पे, कैमरे का और माइक वगैरह सब सेट करूँगा, उसकी भी एक अलग वीडियो बनाऊँगा जो कि आने वाले हफ्ते में आपको दिखेगी। बाकी इसको मैं पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये कैसा लग रहा है। तो भाई देखो ये कुछ ऐसा लग रहा है, पहन तो लिया है मैंने काफ़ी, ये वैसे टाइट है अभी तो टाइट ही रहेगा ये वैसे थोड़ा, और धीरे धीरे ये खुलेगा, और इसकी कुशनिंग तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि मतलब सही लग रहा है, बस भैया ना थोड़ा टाइट है इसलिए मेरा मुँह ना थोड़ा दब रहा है, बाकी चीज़ें तो सही लग रही है मेरे को, फिटिंग सही है। वो कहते हैं ना कि हेलमेट लूज नहीं होना चाहिए, तो ये लूज तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी सही लग रहा है। बाकी ये जो फूल रहा है ये थोड़े दिनों में इसकी कुशनिंग हल्की होगी तो ये भी ठीक हो जाएगा, बाकी ओवरऑल तो सही लग रहा है मुझे, काफ़ी सही है। और भाई मेरा ये सेटअप है देखो, मैंने ऐसे सेट करके अभी बनाया है, क्योंकि टेबल लेंगे अभी धीरे धीरे, सारी चीज़ें लेंगे जब भी, जब तक इससे ही काम चला रहे हैं हम, तो ऐसे रख रख के काफ़ी अच्छा मतलब सही बन जाता है, ऐसा नहीं है बेकार लग, और ये काफ़ी सही लगा भाई, मैंने तो पहन के देख लिया। इसका वज़न बस वही 1 किलो 450 ग्राम है, बाकी ठीक है मैंने देखा था, बाकी सारे हेलमेट ही ऐसे ही होते हैं इतने ही वज़न के होते हैं, मुझे तो काफ़ी सही लगा ये। और बस अब इसमें अपना सेट करेंगे, जो भी सारी चीज़ें हैं वो भी मैं निकाल के ले आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है मेरे पास। और मैंने रखा है इसको सिरहाने अपने, और ये देखो कितना फूला हुआ है, इसी में ही है सब। तो भाई ये है कुछ कैमरा, और ये समर कौन सा माइक था, ये माउनो का माओ मोआना
ये है माउनो का माइक, और ये माइक ना इसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, और मैंने कुछ जुगाड़ करके किया था उससे भी नहीं चल रहा था, तो मैं ये लेके आया था नेहरू प्लेस से। और ये है पता नहीं कौन से ब्रांड का है, बताता हूँ एक मिनट आप लोग देख लो यार खुद से, ये ब्रांड है। और इससे जब मैंने इसको कनेक्ट किया ना, तो भाई मानो मतलब हेलमेट में ना बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी शोर शराबे की। मैंने रिकॉर्ड करके इसमें चेक किया था, बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा था। और मैं अभी क्लिप लगा भी दूंगा, अभी देखना। मैंने कुछ मंगाया था ऑनलाइन, वो तो चला नहीं, लेकिन ये चल गया, भैया की दुकान से मिल गया हमें। अच्छा ये है आपके पास, ये कितने का? ये आपको 250 का पड़ेगा। 250 बड़े यार, ये है बहुत महंगा, 300 रुपये दे, 300 रुपये से कम ही नहीं कर रहे। कंपनी है ब्रांड, 6 महीना है ना पूरा, कोई दिक्कत होगी मैं ले आऊँगा। 8वें महीने में रिपेयर कर दो, 8वें महीने में ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं डालूंगा। चलो ठीक है, एक ये ले लेते हैं। बोलो, एक बार बोल दो कि दोनों आप बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लो मैं डाल दूंगा। भैया आप हमारे पास आके ले लेना, हमारे पास डिजिटेक माइक, कैमरा, गिम्बल, सेल्फी स्टिक, रिंग लाइट, सारे अच्छे होलसेल रेट पे मिलती है। राउटर पाउडर देख लो, सारी एक्सेसरीज मिलती है। ये देखो भैया, GoPro के रिलेटेड जो भी चाहिए, एक्सेसरीज, कनेक्टर, OC टाइप माइक वगैरह, हेडफोन, बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। आगे से आके देख लो, अभी सारे लगे हैं। हमारी तो इतने बजे 12 बजे हाँ जी भाई, तो मैं निकल गया नेहरू प्लेस से, जो मेरे को काम था वो भी काम हो गया। और तो फिर चलो भाई इसको लगाते हैं, इसको सेट करते हैं यहाँ पे। और इसके लिए चाहिए होगा हमें ये, और 3M का टेप तो है ही अपने पास, इसको लगा के देखते हैं कहाँ पे लगेगा ये सही, और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। इसमें देखते हैं भाई कौन सा वाला लगेगा पहले तो, और कहाँ लगेगा ये। तो भाई देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला सेट होता है। मुझे तो लग रहा है कि ये हो जाना चाहिए यहाँ पे ऐसे लग के अच्छे से, मुझे भी नहीं पता ये होगा कि नहीं होगा। बाकी एक आता है वो लंबे वाला, वो लेना पड़ेगा मुझे। बाकी मैं इसको ही ट्राई करता हूँ पहले लगा के कैसा लग रहा है, देखते हैं भाई ट्राई करके सेट हो पाता है कि नहीं। एक तो लगा दिया मैंने, तो चलो भाई इसको भी उखाड़ के देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आता है इसका। मुझे तो लग रहा है लूज हो जाएगा ये। अच्छा, और अब इसको सेट करते हैं। अरे बाप रे, नहीं हो पाया ये, लग तो गया लेकिन नहीं जमा ये। साइड से देखो यहाँ से उखड़ा हुआ है, यहाँ से उखड़ के कैमरा ही गिर जाएगा ये, देखो नहीं हो पाया, दोबारा करना पड़ेगा। नहीं बन रहा भाई ये तो। मैंने एक यहाँ पे लगाया और एक इस पे लगाया, अब करके देखता हूँ क्या पता ये सेट हो जाए। टेढ़ा हो रहा है, नहीं हो रहा, दूसरा लेना ही पड़ेगा, ग्लू ही नहीं बन रहा इसका बढ़िया से। नहीं हो रहा है भाई, बहुत ट्राई कर लिया, इजीली निकल जा रहा है, मेरे को तो कैमरे की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसको भी निकाल देते हैं, ये देखो ये तो क्या ही चिपका है ये,
इतना बकवास है ये, कोई ग्लू नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये बकवास। अमेजोन से मंगाया था मैंने, इस पर 3M लिखा हुआ है नकली, और इस पर देखो कोई कुछ भी वो नहीं हुआ, ये भी बिल्कुल क्लियर है। तो अब क्या करें भाई, अब करते हैं ये, इसको सेट कर लेते हैं, ये भी एक ऑप्शन पड़ा है मेरे पास, इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो भाई मैंने अभी इसमें ये वाला सेट कर दिया है जो मैनुअली होता है, ये वाला लगा दिया, ये ठीक है, अभी गिरेगा भी नहीं है, बाकी वो चिपकाने वाला मैं मंगाऊंगा। बस वही है कि इसमें से ये चिन पैड हटाना पड़ गया मुझे जो यहाँ पे होता है, बाकी लुक तो सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब इसकी बारी है, इसको लगाते हैं कैमरे को और देखते हैं कैसा हो रहा है। तो ये मैंने इसको मैंने निकाल दिया यहाँ से, इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो ये एक हो गया तो भैया वाटरप्रूफ होगा ही नहीं कभी, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो भैया कुछ ऐसा सेटअप तो कर लिया मैंने, माइक को मैंने बिल्कुल कहाँ गया, ये कोने में लगाया है यहाँ पे, और माइक इसका चलने लगा है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो माइक कनेक्ट हो चुका है इसमें, बंद हो जा भाई। हाँ, और बाकी तार जो है मैंने इसके पैडिंग के नीचे छुपा दिया टेप मार के, बाकी चेक करते हैं, चलते हैं। The next day, ऊपर आजा, आजा भाई ऊपर, आएगा नहीं, आ गई भाई हमारी बाइक, वाली रील बना दियो, है कोई मेरे से अच्छा, है कोई मेरे से ज्यादा सुंदर। ये कैमरे का वाटरप्रूफ वाला है, इसको रखो कैमरे का रखो, अरे सच में दो इधर, मुझे दो मुझे दो, सही है, है कोई नहीं, तुम एक बार खुद देखो देखो। तो चलो ये चलते हैं, ये गरीब जा रहा है मेरे आगे, एक और लग गई, सही बन रहा है देखना, इधर आ, इसमें है वे तेल, ये देख इसमें दिख रहा है सही, हेलमेट इसमें आ रहा है, वो हैंडल आ रहा है। तो भाई चलते हैं, ये मेरा भाई फर्स्ट मोटो ब्लॉग है जो मैंने मंगाया था, हेलमेट वगैरह सब कुछ मंगाया था पूरा सेट, तो मैं निकल रहा हूँ। तो भाई मैं निकल चुका हूँ अपने घर से और मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस, सुबह के बज रहे 11:30 और मैं निकल गया हूँ। निकलते ही पहले थोड़ा जाम तो मिलता ही है यहाँ पे, और मुझे ये भी देखना है ऑफिस पहुँच के कि इसमें साउंड तो अच्छा आ रहा है ना, साउंड सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़्यादा शोर आ रही है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा शोर आ रही होगी क्योंकि मुझे वैसे कम सुनाई दे रहा है, मतलब कम क्या, ऐसा लग रहा है कि आवाज़ कम आ रही होगी अंदर माइक में, शोर शराबा जो भी है, बाकी एक बार पहुंच के चेक करूंगा कैसी आवाज है। चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से रास्ते में, और पेट्रोल भी डालना है अभी, तो पहले पेट्रोल डालेंगे फिर चलेंगे ऑफिस। अब तो गर्मी भी इतनी हो गई है भाई साहब, गर्मी भी लगने लगी है। तो उठा देना, अबे यूट्यूब
वही मैंने लगा दी साइड में बाइक, जैसा मैंने बताया था कि मेरे पास एक है होल्डर यहाँ पे जो लग जाएगा वो दिखाता हूँ और उसको ना लगाता हूँ और एक रील बनाते हैं फटाफट। ये रहा, ये भी है और गाड़ी की चाबी भी इसी में पड़ी हुई है, तो करते हैं इसको सेट यहाँ पे और लगाते हैं हैंडल में और फिर एक रील बनाते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस फटाफट, वैसे ही लेट हो चुका है। तो भाई ये लगा दिया मैंने, ये कर दिया और ये अच्छे से मैंने इसको मैंने टाइट भी कर दिया है, फिर भी थोड़ा सा जो कसर रह गया है ना उसको भी कर देते हैं, इधर उतरना ही पड़ेगा। तो भाई देखो ये कुछ ऐसा लग गया है, मुझे तो ठीक लग रहा है। अब इस पर अपना एक बार कैमरा लगा के देखेंगे कि कैमरा कैसा लग रहा है। मैंने अभी फुटेज चेक करी, उसमें जो है ना बहुत ही ज़्यादा बकवास आवाज़ आ रही है, मेरी फटी फटी आवाज़ आ रही है, इसलिए सोचा थोड़ा धीरे बोल के देखता हूँ कि सही हो जाए आवाज़। ये लग गया भाई, चलो इसको लगाते हैं यहाँ पे। तो देखा भाई आपने कितनी सही वीडियो बन रही, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। बस यहाँ से करीब 1 किलोमीटर भी नहीं है मेरा ऑफिस, यहाँ से टर्न लेते ही एक और टर्न आएगा, उसके बाद ऑफिस सीधा। और मैं अभी बहुत ज़्यादा धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज़ जो है ज़्यादा ही फटने लग रही है आवाज़, और अब भी नहीं पता मुझे अभी कैसी आवाज़ आ रही होगी, तो अभी मुझे तो चेक करना पड़ेगा दोबारा से ऑफिस पहुँच के, ताकि शाम को जो मैं व्लॉग बनाऊँ उसमें ठीक आवाज़ है। ये भाई वॉल्वो, देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है, जस्ट ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है, बाकी व्लॉगिंग तो हम लोग करते ही थे बट वो अलग था, ये अलग है, इसमें भाई मोटो व्लॉग है ये, और फर्स्ट मोटो व्लॉग आएगा ये हमारा। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी बनी है वीडियो, क्या एंगल सही है क्या नहीं है सही, आवाज़ कैसी है, नहीं होगी सही तो फिर उस पर और काम करेंगे भाई, कैसे सेट करें इस कैमरे को, सॉरी माइक को। तो फिर मैं घुस गया ऑफिस की पार्किंग में और मैंने अपनी गाड़ी भी यहीं लगा रखी है बलेनो को, इसी लाइन में आगे अपनी गाड़ी भी लगा रखी है कि वहाँ खड़े खड़े इतनी गंदी होती थी, इतने स्क्रैच लग गए हैं ना उस गाड़ी में, मतलब लगती ही नहीं कि 1 साल पुरानी है, हद से ज़्यादा स्क्रैच लग गए हैं अपना। लगा दी भाई बाइक, चलते हैं अब अंदर ऑफिस। 2000 years later। ये किस तरह के लोग, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। तो भाई मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से घर के लिए, कुछ गिरा, कहाँ गया, गिर गया। और अभी हो रहे हैं ठीक 6:30, बाहर का मौसम तो लग रहा है काफी अच्छा है, इधर देखो क्या जबरदस्त व्यू आ रहा होगा इधर। और आज मैं आया भी लेट था और निकल भी गया टाइम पे, ज़बरदस्त आ रहा होगा जो सामने व्यू दिख रहा है मेरे को। और मैंने चेक किया था अपनी वॉइस को कैमरे में कैसे रिकॉर्ड हो रही है, तो अभी जितना धीरे मैं बोल रहा हूँ ना उतने स्लो में तो काफ़ी सही आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि मैंने जो है ना इसका मतलब साइड में एक पैड होता है मैंने इसमें डाल रखा है, जो आपको दिख रहा है ना इसमें मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है अंदर, तो धीरे बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ना बाहर की कोई नॉइज आ रही है, कोई शोर शराबा आ रहा है। बाकी सामने का व्यू देखो भाई क्या जबरदस्त व्यू है, बहुत ही शानदार है।
तो भैया अभी समर से जस्ट बात करी, समर ने बोला निहारी है लेके आना, निहारी खाने का मन है, तो चलते हैं निहारी लेते हैं और फिर चलेंगे सीधा घर और फिर रात को देखेंगे बाहर निकलने का प्लान। बाहर भी निकलेंगे घूमेंगे, और आज जैसा मैंने बताया था कि आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मोटो व्लॉग है, पर तो आज रात को हम लोग करके देखेंगे वीडियो कैसी बन रही है, रात के टाइम का व्यू कैसा आ रहा है। तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को सीधा शाइनबाग मार्केट। मौसम तो वाकई में बहुत ही सही हो रहा है, इधर से दिख रहा है सामने ब्लैक ब्लैक, और इधर भी इस तरफ तो और ज्यादा अच्छा दिख रहा है, काफी अच्छा वेदर हो रहा है। ज्यादा ही ट्रैफिक है यहाँ तो दूसरा रास्ता मुझे मालूम भी नहीं है यहाँ का। बहुत ही ट्रैफिक है, सर्विस लेन से जाना पड़ रहा है, इस गली से निकल जाएंगे हम लोग। तो फिर मैं पहुंच गया शाइन बाग 40 फुटा, और अभी भी मेरे को जाना है थोड़ा अंदर है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही अंदर है। एक और गली है उसको क्रॉस करके फिर वही मिलेगा। और भाई तुमको ना मैं यहाँ का ट्रैफिक और क्राउड दिखाता हूँ, जो यहाँ पे हर दिन का क्राउड है देख रहे हो, और ये तो पुरानी दिल्ली से भी ज्यादा ऊपर हो चुका है, जो यहाँ पे जो इतना ज्यादा क्राउड है ना वहां से ज्यादा हो गया है देख रहे हो। आज तो फिर भी थोड़ा कम है, नहीं तो और दिन को दबा के होता है यहाँ पे। निहारी ये भाई अफगानी वाले, अफगानी समोसा, फुल भीड़ भाड़ है। ये चिकन लॉलीपॉप, इधर रेहान स्वीट्स, मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ। ये समझ लो खाने पीने का दूसरा हब हो गया है ये यहाँ का। एक मिनट भाई भाई, शीशा शीशे पे लग गया उसका, टेढ़ा हो गया गाड़ी का। बस थोड़ा सा और है और फिर हम पहुंच जाएंगे अपने शॉप पे जहां से मुझे लेना है। भैया जी थोड़ा सा हट जाओ, वो तेरी। दो निहारी पैक कर दो, कितने का है? दो कर दो है? नहीं कैमरा है। और डालो थोड़ी, तो भाई ले लियो यहाँ से निहारी, चलते हैं अब सीधा घर और समर से कॉल करके पूछ लेंगे कि और कुछ लाना है तो ले लेंगे, बाकी हो गया। और भाई यहाँ का जो HOD का रोल होता है ना सबसे बेस्ट है, मजा आ जाता है खाके।
अभी 2 दिन पहले भी हमने खाया था यहाँ पे, मैंने समर ने, जिशान भाईजन ने और रूबी भाजी ने। अब यहाँ से लेते हैं भाई यू टर्न हम अपना। अभी मैं आ गया घर। हेलो, आप थक गया ऊपर आके। चलो भाई मिलते हैं बाद में। तो ये भाई जो मैं लेके आया था निहारी, ये इसके साथ जो देते हैं, और ये रोटी। मैं रेडी बैठा हूँ भाई, मैं रेडी बैठा हूँ भाई साहब। निकालना हमें, मैं रेडी बैठा हूँ। कहाँ जा रहा है तू? ओके है सोनू, कहाँ जा रहा है? मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा यार, मैं तो खा रहा हूँ, ये देखो निहारी खा रहा हूँ, ये कुछ लोग हैं, सुने हम लोग। देखो दोस्तों, 9 बजे दोस्तों आप लोग जो है ना, सबके भरोसे मत रहा करो, अपने भरोसे रहो, क्योंकि ये भाई ये सांप है, सांप 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 पाल रहे, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। अभी बोलेंगे आ रहा हूँ और अगले पल बोल देंगे भाई नहीं आ रहा। कौन कौन? नहा धो के रेडी बैठा हूँ कि मेरे को कहीं जाना था और ये नहीं आ रहे, तो मैं जाना था, और हेलमेट भी रेडी है, सब रेडी था, लेकिन छोड़ो गाइस, कोई नहीं, बंद करो कैमरे को। चलो भाई हम खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तुम्हारे लिए गोश्त निकालो क्या? हाँ निकालो ना, थोड़ा सा छोटा सा। अरे बड़ा सा है, बहुत बड़ा है वो। हाँ तो कितना अच्छा दिखता है ये मिर्ची डालने के बाद। चलो अब रोटी निकालो। चलो भाई खुले नहीं है भाई, कैसे घुस रहे हो तुम लोग बिना बोले? ये रहा गरीब, क्यों बिना बोले भाई? आ जाओ आ जाओ, आ गई भाई डैपर वाइट। कब से चल रहा है? ब्लैक वाली लेके आया, नई वाली लायो? क्या बात है, देख ले भाई मेरा बेगा। आ भाई मेरे से भी कर ले कंपैरिजन, ले ले भाई अपना वाला ले, इधर सामने फ्री का। ये तो फ्री का है, कहाँ से? पार्किंग से चुराया? पार्किंग से चुराया। अबे भाई सिटी वर्क मॉल। हाँ हैवी है, हर हफ्ते जाता है। अच्छा यार एक मेरे लिए भी ले लियो चुरा के। सही है? नहीं नहीं आप खाइए। ये वैसे 8 का था, 4.5 का मिला सीधा 50%। हाँ अच्छा है।